इस क्वेश्चन में पूछा है ट्वाइस ऑफ माइनस 7/3। ट्वाइस मतलब होता है न्यूमरेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो लिखा है ट्वाइस ऑफ माइनस 7/3 के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे कि हमें 3/7 मिले। हमें ये नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 इंटू माइनस 7/3 होगा, 7 × 2 = 14, तो −14/3। इसको यहाँ लिखते हैं −14/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स वाले टर्म्स को लेफ्ट में रखते हैं और कांस्टेंट को राइट में लेके जाते हैं। एक्स ऑलरेडी लेफ्ट में ही है, तो −14/3 को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/7। साइड चेंज हो रहा है तो साइन भी चेंज होगा, तो +14/3। अब 14 का डिनोमिनेटर 3 है और 3 का डिनोमिनेटर 7 है, तो पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को यहाँ, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 × 3 प्लस 14 × 7 बाय डिनोमिनेटर में आएगा 7 × 3। ठीक है, तो x हमें मिल जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 7 × 14 जो होता है 98 बाय 7 × 3 = 21। तो x हमें मिल जाएगा 98 प्लस 9 होता है 107 बाय 21। इसको लिख लेते हैं। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 107 बाय 21, बट हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें नंबर फाइंड करना था। हमने नंबर को x ही लिया था, तो x अगर 107 बाय 21 है तो नंबर भी 107 बाय 21 है। Therefore, the required number is 107 by 21.